मोदी कड़ा आभिमुख्य पर ओडिशा राजनीति में भूकंप राति अधरे प्रतिक्रियाशील हेले नवीन मोदी विरोध में आक्रमणात्मक हेले मुख्यमंत्री जवाब देवाको सामना को आसिले धर्मेन्द्र प्रधान कहिले एबे पोसा सुआ पलटी छंती नवीन पचिश वर्षर मुख्यमंत्री पारगता को नहीं प्रधानमंत्री कड़ा आभिमुख्य परे ओडिशा राजनीति में भूमिकंप इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल रहे हैं। आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए हैं, वो आपसे कटे हुए हैं, वो आपके दुख नहीं जानते, वो आपके सपनों को नहीं समझते हैं, वो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं भाइयों बहनों। और इसीलिए हमारा उड़ीसा इतना धनवान होने के बाद भी यहां के लोग गरीब हैं। मोदी को काउंटर करी राति अधिया वीडियो जारी कले मुख्यमंत्री प्रथम थर पर निज स्वभाव विपरीत प्रधानमंत्री प्रति आक्रमणात्मक होते नवीन आउ पीएम प्रति नवीन प्रति आक्षेपर जवाब देवाको सामना को आसी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संबलपुर प्रेस मीट करी बीजेडी मुखिया और गुमास्ता मुहतोड़ जवाब माननीय प्रधानमंत्री आपण ओडिशा को केते मने रखी चंती ओडिया भाषा क्लासिकल लैंग्वेज हेला परे भी आपण ओडिया भाषा को भूली गले ओडिशा क्लासिकल लैंग्वेज घोषणा 2014 रे हबा परे शिक्षा विभाग सेंटर ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज CIL उते जागा मागिला राज्य सरकार को छामु जहा देले भरसे पाउ पाउ कला भरसे मु जानि ने एटा मुख्यमंत्री बुझि पाइ गे र ओडिसा रे ढगो 2019 मसिया रे घर दिया गला जागा तो छामु गुटे घर दिया गला दफ्तर खुलिबा पाइ चलो 2019 मसिया रे 20 मसिया रे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CIL तरफ ओडिसा रे गठन को तयारी करा गला ओडिसा रे जन सुनाम धन्य भाषा विद डॉक्टर वसंत पंडा से दायित्व रचंती 30 कोटी टंका से अनुदान दिया जाइछि विभिन्न ओडिया भाषा साहित्य को गवेषणा करबा संस्कृत को हजारे कोटी ओडिया भाषा को शून्य आपण पंजुरी रे थिबा सुआ जहा सिका जाउछि सेटा आपण कहउछन्ति वीडियो रे कहउछन्ति कहि कि आपण DMK रो भाषा कहउछन्ति जे संस्कृत को एते पैसा दे देलो ओडिशा रा मंदिर रे को भाषा रे मंत्र उच्चारण हुए माँ समलिंग को पक्ष रे महाप्रभु जगन्नाथ को पक्ष जो मंत्र उच्चारण होची संस्कृत भाषा रे होची मु ए तुलना करबा पई चाहनी गुडा को सब ठीक आपण तो आछि जो आपण कर ज्ञान को फोर अछि सेति रे सेपट अंचल लोक बेसी अछन्ति आपण ओडिसी म्यूजिक को भूली गले मु ओडिसी म्यूजिक को क्लासिकल मान्यता पई दुई थरो प्रपोजल पठाई थिली और आपण दुई थर रिजेक्ट करे संस्कृति विभाग अधीन रे थिबा संगीत नाटक एकेडमी स्पष्ट करिछि भारत रे शास्त्रीय संगीत करिकि किछि भारत सरकार किछि व्यवस्था ही नहीं जो व्यवस्था नहीं आपण चिट्ठी लिखिबा प्रधानमंत्री को निंदा करिबे जे आपण ताको रिजेक्ट करले तो आपणकर अज्ञानता पय मु आपण ओडिसा वासी को पखरे भूली मागबा छरा मो पखरे विकल्प किछ नै आपण चासी मानन को पई MSP दुई गण करबा को प्रॉमिस करी थिले आपण ताकु भी भूली गले आपण थरे कहितिले 100 रे 2015 रे जे मु 100 टंका बोनस देब आपण भूली गले आपण प्रधानमंत्री को आपण भूली जांती आपण भूली गले मुख्यमंत्री महाशय आज तो आम कहू छत्तीसगढ़ जे 3100 टंका देबो धान रो क्विंटल पिछा मूल्य आम 3100 टंका ओडिसा रे देबो आपन उड़ीसा लोकों को मने रखिकी कोस्टल हाईवे करिबा थिला सेटा भी भूली गले मुख्यमंत्री महाशय
ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଡଭାଇଜର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ, ଜଣେ ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣନ ସାହେବ ଆଉ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କାହିଁ ଜଣ ପଚାରିବେ ମୋର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପରେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା ବନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ବନ୍ଦ କଲା। 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା କଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଚିଲିକା ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିବାଦ ତିଆରି କରାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପଦ କୋଇଲା, କୋଇଲା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ରୟାଲିଟି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁଲିଗଲେ। ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଯଦି ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ହେଇକି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବ ତାହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଖଣି ଖଦାନ କାହିଁକି ନିଲାମ ହେବନି। ସେ ନିଲାମ ପଇସା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲାନି, ନିଲାମ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା। ଆପଣ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୟାଲିଟି ବଢ଼େଇଲେନି। ଜୁନ୍ 10ରେ ତ ନୁହେଁ, ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ବି BJP ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ଆପଣ କିଏ ଯେ ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଆସିପାରିବନି, ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ କରେଇଦେବୁନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦମ୍ଭ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ, ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା। ଏଇପାଇଁ କହିଲି ପରିହାସ ଛଳରେ ଆପଣ ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଭାଷା ଆପଣ କହିବେ ହିଁ କହିବେ। ଏବେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ କିମ୍ବା ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଜବାବ ଦେବାକୁ? PM ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜେ ପଦାରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି କି ନବୀନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।